हेलो स्टूडेंट्स, योर इंग्लिश टीचर इज बैक विद योर चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। सो हमने जब अपने पहली वीडियो के अंदर मतलब हमने पहले पार्ट में जब हमने पढ़ा कि बाहरी दिखावा कुछ भी नहीं है, इनर ब्यूटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देन एवर देन एनीथिंग। किसी भी चीज़ से ज़्यादा अच्छी आपके मन की सुंदरता है। आप दूसरी चीज़ों की तरफ देख के कहते हैं कि कितनी सुंदर है, किसी इंसान की तरफ देख के कहते हैं कितना सुंदर है, लेकिन क्या वो दिल से साफ है, क्या वो दिल से सुंदर है, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और आज का जो थीम है हमारा, हमारे आज के पार्ट के ऊपर बेस्ड है कि लव और सेक्रीफाइस, ये दोनों एक दूसरे को पूरा करने वाली फोर्सेज हैं। जहाँ पर प्यार है वहाँ बलिदान तो देना ही होगा, जहाँ पर लगाव है वहाँ पर आपको किसी चीज़ का सेक्रीफाइस करना होगा। यहाँ सेक्रीफाइस की बात किस पर आती है, हमने जब कल की हमारे प्रीवियस सेक्शन में जब हमने पढ़ा कि वो स्वेलो रुकता है या रुकना चाहता है, लेकिन अपने फ्रेंड्स की वजह से वो जाना भी चाहता है, तो अब ये देखते हैं आज के पार्ट में कि क्या वो रुकता है, क्या वो प्रिंस की बात मानेगा। द स्वेलो एज अ मैसेंजर, कि हाँ वो प्रिंस की बात मानता है, मैसेंजर की तरह रुकता है। और क्यों रुकता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा दयालु है, वो इतना ज्यादा दिल का साफ पक्षी है कि वो प्रिंस की आंखों में आंसू नहीं देख सका। जब प्रिंस ने उसे बताया कि यहाँ लोग कितने सफर कर रहे हैं, यहाँ गरीब लोग कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में है, तो उस टाइम पर स्वेलो को बहुत बुरा लगा और उसका दिल इतना साफ था कि उसने अपने लोगों की हेल्प करने के लिए जो उसका लगाव था, जो उसकी अच्छी बात थी, उसके लिए उसने सेक्रीफाइस देने को भी वो तैयार हो गया। अब यहाँ पर जब इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए टेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे कि वो मैसेंजर बनकर कितने लोगों की मदद करता है और किस तरीके से मदद करता है, प्रिंस उसे जो काम करने के लिए कहता है क्या वो काम अच्छे तरीके से कर भी पाता है या फिर उसका दिमाग अभी भी इजिप्ट जाने की तरफ ही है, ये पता चलेगा अपने टेक्स्ट के अंदर। लेट्स स्टार्ट रीडिंग योर टेक्स्ट। I am waited for in Egypt, said the swallow. पक्षी ने कहा कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार किया जाता है। My friends are flying up and down the Nile. मेरे दोस्त सारे के सारे नील नदी के आसपास उड़ चुके हैं। And talking to large lotus flowers, और उन बड़े बड़े कमल के फूलों पर से बात करते जा रहे हैं। Soon they will go to sleep, और जल्दी ही वो सो जाएंगे। Talking to large lotus flowers का मतलब है कि उन बड़े कमल के फूलों के ऊपर से गुजरते हुए जा रहे हैं, उनसे मिलते हुए जा रहे हैं। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट। राजकुमार ने स्वेलो से रिक्वेस्ट की, उससे रुकने के लिए कहा कि प्लीज तुम एक रात मेरे पास रुक जाओ, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेज देने वाला बन जाओ। मैसेंजर मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह आपकी बातें पहुँचाता है, कोई सामान पहुँचाता है। द बॉय इज सो थ्रस्टी एंड द मदर सो सैड। उस बच्चे के बारे में राजकुमार ने बताते हुए कहा कि वो बच्चा बेचारा बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द स्वेलो। उस पक्षी ने कहा कि मुझे नहीं लगता मुझे लड़के पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, कि मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड, लेकिन राजकुमार इतना उदास दिखने लगा और जो छोटा पक्षी था वो बहुत दुखी हुआ कि मैंने इतने बुरे तरीके से उससे बात करी। और उसने कहा इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, उसने बोला कि यहाँ बहुत ठंड है। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन फिर भी पक्षी उस राजकुमार के पास एक रात रुकने के लिए तैयार हो गया और उसका मैसेंजर बनने के लिए भी तैयार हो गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो, प्रिंस ने कहा कि थैंक यू तुम्हारा छोटे पक्षी जो तुम एक रात मेरे साथ रुकने को मान गए। द स्वेलो पिक्ड अप द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड। अब स्वेलो ने क्या काम किया, प्रिंस की तलवार में से वो नीलम, वो रूबी, वो मोती उठाया जो राजकुमार ने कहा था कि मेरे तलवार से उठा लो और उस बच्चे की माँ को दे आओ। उसने वो मोती लिया एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और वो अपनी चोंच में उस मोती को पकड़कर उस शहर की छतों के ऊपर से गुजर गया, मतलब जितने भी मकान थे उन मकान के सभी छतों के ऊपर से गुजर गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर मतलब चर्च,
वो चर्च के पास से गुजरा वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वर स्कल्पचर्ड जहाँ पर एंजल्स वर स्कल्पचर्ड जहाँ पर उस चर्च की जो दीवार थी वहाँ पर सफ़ेद एंजल सफ़ेद जो देवी देवता थे उनकी मूर्तियाँ बनाई हुई थी ही पास बाय द पैलेस वो महल के पास से गुजरा एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग और नाचने गाने की आवाज़ भी सुनी A beautiful girl came out on the balcony with her lover. एक बहुत ही सुंदर लड़की अपने दोस्त के साथ बालकनी में आकर खड़ी होती है I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. और वो लड़की अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ड्रेस उस पार्टी के टाइम तक बिल्कुल तैयार हो जाएगी I have ordered flowers to be embroidered on it. मैंने ऑर्डर भी दिया है कि मैं उनके ऊपर फ्लावर्स की फूलों की कढ़ाई करवाऊँ But the seamstresses are so lazy. लेकिन तुम तो जानते हो कि ये जो दर्जन होती हैं ये कपड़े सिलने वाली जो औरतें होती हैं ये कितनी ज़्यादा आलसी होती हैं He passed over the river. वो नदी के ऊपर पास से गुजरा and saw the lanterns hanging on the mast of ship. और उसने जितने भी वहाँ जहाज थे उन जहाज़ों के जो पोल हैं जो डंडियाँ हैं उन पर lanterns लाल टेन लटकी हुई देखी At last he came to the poor woman's house. और finally वो उस गरीब औरत के घर पर आता है and looked in और अंदर देखता है The boy was tossing feverishly on his bed. वो लड़का जो बीमार था और राजकुमार ने जैसे बताया कि वो बेड में था तो वो बस करवटें बदल रहा था इतना ज़्यादा कमजोरी की वजह से इतनी भूख की वजह से एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप और जो माँ थी वो बेचारी काम करती करती ही सो चुकी थी शी वॉज सो टायर्ड क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी इन ही होप्ड और जब उस घर में वो उछल के जाता है And laid the great ruby on the table. और उस टेबल पर उस बड़ी सी रूबी को रखता है beside the woman's thimble. उस वुमेन का जो सामान था वहाँ पर रखा हुआ और थिम्बल होता है एक तरीके का छल्ला होता है जो अंगूठे में पहना जाता है तो उस थिम्बल के पास उसने उस स्वेलो ने बर्ड ने उस रेड रूबी को रख दिया Then he flew gently round the bed और फिर वो बहुत आराम से बिस्तर के पास से पास गया fanning the boy's forehead with his wings और बच्चे के माथे को अपने पंखों से सहलाने लगा या उनकी हवा सी करने लगा How cool I feel और वो बच्चा भी इतना थका हुआ था इतना नींदों में था जिससे वो कहता है कि मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ I must be getting better. अब मुझे ठीक भी हो जाना चाहिए And he sank into a delicious slumber. और वो अपनी जो अच्छी नींद है slumber मतलब नींद जो अच्छी नींद है उस नींद में फिर वो सो गया Then the swallow flew back to the happy prince. और अपना काम करने के बाद swallow वापस उड़कर जाता है उस seamstress के घर से लेकर happy prince की statue तक And told him what he had done. और उसे बताया किसको प्रिंस को अब स्वेलो ने प्रिंस को जाकर बताया कि क्या उसने किया था उस घर में जाने के बाद इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड और जो राजकुमार था उसका स्टैचू कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड सॉरी ही रिमार्क का मतलब वो स्वेलो है वो कहता है स्वेलो कि ये बहुत अच्छी बात है मुझे सुनकर अच्छा मतलब मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लगा लेकिन अब मुझे थोड़ी गर्माहट फील होती है जबकि यहाँ तो ठंड है दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन प्रिंस ने उसकी बात सुनकर कहा जब स्वेलो ने कहा कि मुझे ये काम करके खुशी मिली मुझे काम करके अच्छा लगा तो प्रिंस बोला कि ये गर्माहट तुम्हारी इसलिए मिली है तुम्हें क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक और उस छोटे से पक्षी ने अब सोचना शुरू कर दिया एंड देन फेल स्लीप और फिर वो सोने के लिए चला गया थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी जब भी वो कुछ ज़्यादा देर तक सोचता था कुछ गहरी सोच में रखता था उस टाइम पर वो नींद में हो जाता था वो सो जाता था When the day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन निकला तो वो रिवर की तरफ आगे उड़कर गया और नहाया Tonight I go to Egypt. आज मैं इजिप्ट जाता हूँ said the swallow. और ये बात swallow ने खुद से कही And he was in high spirit at the prospect. और इस बार वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ था
He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. वो सारी इमारतों पर घूमता है and sat a long time on top of the church steeple. और चर्च का जो सबसे ऊपरी हिस्सा था, जो ऊपर का जो पोल सा बना हुआ था, वहाँ पर कई देर के लिए बैठता है. When the moon rose, और जब चांद उगा, he flew back to the happy prince. वो वापस उड़कर happy prince के पास गया. Have you any commissions for Egypt? क्या तुम्हारे पास इजिप्ट के लिए कोई काम है? He cried, I am just starting. और वो जोर से चिल्लाकर पूछता है कि मैं अब यहाँ से जाने ही वाला हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. और फिर प्रिंस दोबारा कहता है, Will you stay with me one night longer? तो वो पूछता है स्वेलो से दोबारा कि प्लीज़ क्या तुम एक बार और एक रात और मेरे साथ यहाँ रुक सकते हो? I am waited for in Egypt. लेकिन मेरा तो इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है, स्वेलो ने प्रिंस से कहा. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी या यंग मैन इन अ गैरेट. वो कहता है कि तुम छोटे जो पक्षी हो, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस शहर में कहीं दूरी पर मैं एक छोटी सी रूम में, एक स्टोर रूम के अंदर एक आदमी को बैठा देख सकता हूँ. ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स. वो एक ऐसे डेस्क के ऊपर झुककर बैठा हुआ है जो पेपर से घिरा हुआ है. वो डेस्क बहुत सारा पेपर से भरा हुआ है. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और वो गिलास जो उसके पास पड़ा हुआ है, देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स. वहाँ पर बहुत सारे मुरझाए हुए फूल हैं. हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प. उसके बाल बहुत ही ज्यादा भूरे और घुंघराले हैं. एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पेमोग्रेनेट. और उसके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल अनार की तरह लाल हैं. एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज. और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सपना देखने वाली आंखें हैं. ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ थिएटर. वो लड़का जो वहाँ पर मुझे बैठा दिखता है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिख सके. बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. लेकिन वो इतना ठंडा हो चुका है, उसे इतनी ठंड लग रही है कि वो और ज़्यादा नहीं लिख सकता. There is no flower in the grate. There is no fire in the grate. वहाँ पर अंगीठी में बिल्कुल भी आग नहीं है. And hunger has made him faint. और भूख की वजह से भी वो बेहोश होता जा रहा है. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. ये सुनकर स्वेलो ने, जो दिल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उसने कहा राजकुमार से कि मैं आपके साथ एक दिन और रुकने को तैयार हूँ. He asked if he should take another ruby to the young playwright. और उसने पूछा कि क्या मैं आपके इस जो दूसरी रूबी है आपके पास, उस रूबी को भी ले जाऊं और ले जाकर उस राइटर को पकड़ा दूं? Alas, I have no ruby now, said the prince. प्रिंस ने कहा कि अब मेरे पास कोई रूबी नहीं बची है. My eyes are all that I have left. मेरी आंखें ही हैं जो मेरे पास अब बची हैं. They are made of rare sapphires. और ये जो मेरी आँखें हैं, ये भी बहुत महंगे, बहुत ही कीमती सफ़ायर की बनी हुई हैं. Which were brought out of India 1,000 years ago. ये जो सफ़ायर है, ये इंडिया से कई साल पहले लाया गया था, कई हज़ारों साल पहले लाया गया था. He ordered the swallow to pluck out one of them. उसने ऑर्डर दिया स्वेलो को कि आप मेरी आँखों में से, दोनों आँखों में से एक सफ़ायर निकाल लो. एंड टेक इट टू द प्ले राइट. और ले जाकर उस प्ले राइट को दे दो. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर. वो इसे ज्वेलर के पास ले जाएगा, वहाँ बेच देगा. एंड बाय फायरवुड, लकड़ियाँ खरीदेगा. फिनिश हिज प्ले ही सेड. और अपना जो खेल है, जो प्ले है, उसे भी लिखने के बाद ख़त्म करेगा. डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो, I cannot do that, and he began to cry. इतना सुनकर जब राजकुमार ने कहा कि मैं आपको रूबी देने को भी तैयार हूँ, बस उसे जाकर मेरे जो सफ़ायर है मेरी आँखों में से निकाल के उसे दे दो, तो स्वेलो रोने लगा और कहने लगा कि प्रिय राजकुमार, मैं ये काम नहीं कर सकता. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. तो प्रिंस ने कहा कि मैं राजकुमार हूँ, जैसा मेरा आदेश है तुम वैसा ही काम करोगे. सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई.
तो इसीलिए इतना कहने के बाद स्वेलो ने प्रिंस की आंख से वो सफायर निकाल लिया एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेट। और फिर वो उड़कर जाता है उस लड़के के कमरे के पास, उस स्टोर रूम के पास जिसमें वो लड़का बैठा था। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, बहुत आसान था उस कमरे के अंदर जाना, एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत पर एक छेद बना हुआ था। थ्रू दिस ही डार्टेड, और इसी की वजह से, इसी छेद की वजह से वो अंदर घुसा एंड केम इन टू द रूम, और कमरे में आ गया। द यंग मैन्स हैड हिज हेड बरिड इन हिज हैंड्स, उस जवान लड़के ने अपने हाथों के बीच में अपने सर को रखा हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ बर्ड्स विंग्स, इसीलिए लड़के को किसी पक्षी के पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स, और जब उसने सर उठाया, जब उसने ऊपर देखा, तो उसे वो बहुत ही सुंदर मोती अपने उन मुरझाए हुए फूलों के पास पड़ा हुआ दिखाई दिया। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, वो जोर से चिल्लाया कि अरे मेरी प्रशंसा होने लगी है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये तो किसी अच्छे प्रशंसक का, किसी अच्छे इंसान का काम है जो मेरी इतनी तारीफ करता है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, और वो लड़का खुशी से बोला कि अब मैं खुशी खुशी अपना प्ले ख़त्म कर सकता हूँ। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन वो स्वेलो उड़कर जाता है बंदरगाह के पास, पोर्ट के पास। ही सेंट ऑन द मास्ट ऑन ऑफ अ लार्ज वेसल, वो एक बड़े से जहाज के बिल्कुल पोल पर, बिल्कुल टॉप पर बैठ जाता है। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और वहाँ काम करने वाले लोगों को, नाव चलाने वाले लोगों को काम करते हुए देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वेलो, बट नोबडी माइंडेड, वो जोर से चिल्लाकर बोला कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन किसी को भी फर्क ही नहीं पड़ा। When the rose, moon rose, he flew back to the happy prince. और जब चांद दोबारा होगा तो वो वापस जाता है हैप्पी प्रिंस के पास। I have come to bid you goodbye, he cried. वो जोर से चिल्लाकर बोला कि मैं तुम्हें बाय कहने आया हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? तो फिर वो प्रिंस मासूम सी शक्ल बना के रिक्वेस्ट करते हुए दोबारा कहता है कि छोटे से तुम प्यारे से पक्षी हो, तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे? इट इज़ विंटर, आंसर द स्वेलो, पक्षी ने कहा कि ये तो ठंड हो रही है। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और जल्दी ही वहाँ पर बर्फ भी पड़ने लग जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजिली अबाउट देम, वो जोर से चिल्लाकर कहता है प्रिंस के आगे कि यहाँ कितनी ठंड हो रही है, जल्दी ही बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन इजिप्ट में तो हर जगह गर्माहट है, वहाँ पर पेड़ों पर सन की जो रोशनी है वो गर्म है, जो क्रोकोडाइल्स हैं वो बहुत ही लेजी तरीके से हमेशा इधर उधर आलसी पने में पड़े रहते हैं, लेटे ही रहते हैं। इन द स्क्वायर बिलो, लेकिन प्रिंस ने उससे कहा कि नीचे उस चौराहे पर There stands a little match girl. वहाँ पर एक छोटी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी होती है। She has let her matches fall in the gutter. और उस लड़की की सारी माचिस की डिब्बियाँ गटर में, नाली में गिर चुकी हैं। And they are all spoiled. और सारी की सारी खराब हो चुकी हैं। Her father will beat her if she doesn't bring home some money. उसके पिताजी, उसके फादर उसे पीटेंगे अगर वो घर पे पैसे नहीं लेकर आई तो। And she is crying, और इसीलिए वो रो रही है। And she has no shoes, और उसके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं है। So, अब देखते हैं कि स्वेलो अब भी रुकता है प्रिंस के लिए, या फिर अपनी उस ठंड वाली बात के आगे वो प्रिंस की बात नहीं मानता और वहाँ से उड़कर चला जाता है। बाकी का जो पोर्शन है उसे हम पढ़ेंगे अपने कल की वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।